अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा। हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग आएगा, थायराइड ट्रोप्स जो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा। इसका ये फंक्शन होता है कि नॉर्मली तो ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ट्रोप्स को, लेकिन अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो ये पिट्यूटरी लैक्टोट्रोफ्स को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया आपको मिल सकता है पेशेंट में, अगर किसी में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो गया, जो कि आपको कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं उनके अंदर आपको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाती है जिसमें थायराइड प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो TSH देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये अगर तो माइल्ड कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से तो ये थायराइड कोलाइड्स पे एक्ट करेगा और उनसे रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ T3 एंड T4। तो ये T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाएगा और उधर इसकी स्टोरेज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर थायराइड हार्मोन ब्लड के अंदर कम हो रहा है, यानी कि T3 अगर कम हो रहा है एक्टिव फॉर्म उसकी, तो क्या होगा कि ये TSH मॉडरेट कंसंट्रेशन में चला जाएगा। जैसे ये मॉडरेट कंसंट्रेशन में जाएगा तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 इनटू द ब्लड। तो ये T3 और T4 की सेक्रीशन हो जाएगी थायराइड ग्लैंड से और वो ब्लड में चला जाएगा T3 T4। लेकिन अगर ये TSH हाई कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो ये इंक्रीज इन द साइज ऑफ फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल का साइज इंक्रीज कर देगा, जो कि दैट विल लीड टू गर्डर, जो जो पेशेंट को नेक्स्ट वाले गोटर बनना शुरू हो जाएगा।